ठीक है नीतीश भाई, मुझे एक बात बताइए, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब ये केस हुआ था है ना, आप लगातार सामने आते थे आक्रामक अंदाज में, यहां तक आप कहते थे कि साहब सबूत है, सबूतों तक की आप बात करते थे। वो समय था बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने थे, अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर फैंस तक इंतजार में है कि साहब सच सामने क्यों नहीं है, आपको एक बात क्या हुआ उस मामले का? ऐसा है, एसआईटी फॉर्म्ड है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस दो अलग अलग केस है, पहले तो आप ये समझ, दिशा सालियान केस कभी भी सीबीआई के पास नहीं गई थी, वो मुंबई के पुलिस के पास थी, उसमें जो एलिगेशंस है, जो प्रूफ है, हमारा एसआईटी के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, हमारे पास जो प्रूफ है, हमारे पास जो विटनेसेस है, जो हमको लगता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उनको बता रहे हैं, मगर वो हाई प्रोफाइल केस है। जब भी ये केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, तभी उद्धव जी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 72 डेज के बाद सीबीआई को उधर इधर एंटर होने दिया महाराष्ट्र में, 72 डेज के अंदर वाले मामले में, दोनों विषय में, तब तक उन्होंने सारे के सारे सबूत साफ कर दिए थे। एक और 80% ना, 80% सबूत साफ कर दिए, 80% कोई हमारे पास फोटोग्राफ भी है, हमारे पास वीडियोस भी है, हम तक अभी तक हमारे पास जो सबूत है उसको साफ नहीं कर पाए, मगर काफी कुछ सीसीटीवी फुटेज हो, वहाँ के वो वॉचमैन हो, वहाँ के जो विजिटर्स बुक के पेजेस हो, वहाँ के डॉक्टर हो जिन्होंने उनके पोस्टमार्टम किया है, आज भी दिशा सालियान का जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक अभी पुलिस के पास आ चुका है, वो के जो कुछ भी मालूम करना है उनको मालूम हो गया है, मगर ये सारा चीज़ अभी उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया था, इसके वजह से वक्त लग रहा है। पर मैं आपको कहूँगा, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हो या दिशा सालियान के फैंस हो, इंसाफ ज़रूर होगा और जिन्होंने उनका मर्डर किया है वो जरूर जेल में जाएंगे। तो क्या इस मुद्दे को चुनाव में भी उठाने वाले हैं क्या? क्यों बनाना चाहिए ये चुनावी मुद्दा? हम लोगों ने कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं किया था, मेरे को वो आप लोग के तरफ से वो गलत फहमी मतलब बताई जा रही थी। हाँ। हमें हमेशा बोले थे जो ये लड़के लड़कियां हमारे महाराष्ट्र में आप स्टार बनने आते उनके साथ ये कुछ गलत हुई तो उसके ऊपर हम लोग आवाज उठा रहे थे। ठीक है, एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।